खेती तथा खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और खेती से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों को डॉक्टर सतीश कुमार का नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कृषि ज्ञान में हम बात करेंगे मेंथा या पेपरमिंट में उचित वृद्धि एवं विकास के बारे में। जैसा ही किसान भाई आप सभी जानते हैं, इस समय पर मेंथा की फसल जो है वृद्धि एवं विकास की अवस्था पर है और इस उचित वृद्धि एवं विकास के लिए जो है संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। रुपाई के 30 दिन बाद पानी में घुलनशील उर्वरक 19:19 की 1 किलोग्राम मात्रा एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की 250 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। साथ ही 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड एवं बायोबीटा दानेदार 4 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर भूमि के माध्यम से फसल में देना चाहिए और सिंचाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से इसकी उचित वृद्धि एवं विकास को हम प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।